तुम होते कौन है मेरे वीडियो को देखने वाले, तुम होते कौन ऐसा बोलने वाले, तुम होते कौन है यहां बैठने वाले, तुम होते कौन है अंदर आने वाले। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलचाल में यूज करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा। तो कैसे इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बस इतनी सी गुजारिश हमारी रहती है और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बात करते हैं रूल की। आज के आज पढ़ेंगे हम द हेल का यूज। क्या पढ़ेंगे आज? द हेल का यूज। जब भी हम किसी को किसी गुस्से से कोई बात कहते हैं तो द हेल का यूज करते हैं। हु द हेल आर यू, तुम होते कौन है, इस तरह से। तो देखिए इसमें एंगर को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ध्यान देंगे, एंगर को दिखाने के लिए, गुस्से को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यदि बात करें रूल की तो रूल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हु या जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद द हेल, उसके तुरंत बाद द हेल। हु द हेल, व्हाट द हेल, हाउ द हेल, बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद द हेल का यूज करेंगे और उसके बाद यहां हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो आ जाएगी। वर्ब वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, वर्ब में आईएनजी या थर्ड फॉर्म, वो किसके अकॉर्डिंग, वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग लगानी होती है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, क्लियर। तो यहां द हेल के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, उसके बाद वही रूल हमारा जैसा हमारा रहा है और क्वेश्चन वर्ड इसमें लग जाएगा क्योंकि वहां हम इंटरोगेटिव का यूज कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा तुम होते कौन हो, तो हु द हेल, हु द हेल आर यू, इस तरह से बन जाएगा। जैसे मैंने कहा वहां गाना गाने वाली होती कौन है, वहां गाना गाने वाली होती कौन है, तो क्या हो जाएगा, हु द हेल इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। वो खाना बनाने वाली होती कौन है, तो हु द हेल इज सी कुकिंग द फूड, ऐसे हो जाएगा। आप मुझे बताने वाले होते कौन हो, तो क्या हो जाएगा, हु द हेल आर यू टेलिंग मी, इस तरह से हो जाएगा। आप यहां बैठने वाले होते कौन हो, तो हु द हेल आर यू सिटिंग हियर, इस तरह से बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा, व्हाट हो सकता है, हु हो सकता है, ये क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, उसके बाद द हेल का यूज और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये ज्यादातर मोस्टली एजेमारा में देखने को मिलता है, वॉज वर्ब में देखने को मिलता है, ये ज्यादातर विल बी शैल बी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो होता कौन था, इस तरह से हम बोल सकते हैं, हु द हेल वॉज ही, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तुम वहां होता कौन है मुझे बोलने वाला, तो हु द हेल इज ही स्पीकिंग मी, इस तरह से बना सकते हैं इजीली। तो ऐसे आप बहुत सारे बोलचाल में इसका यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल इसके बना सकते हैं। द हेल का यूज बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बोलचाल में अक्सर आप यूज करते हो, बोलचाल में अक्सर आप यूज किया भी होगा और करते भी होंगे। तो आज के बाद यदि नहीं पता कि इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो आज सीख गए होंगे कि कैसे आपको इस तरह के यूज करना है, इस तरह का बोलचाल में इसका यूज करना है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने आज सीखा कि मुझे कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोबारा बोल रहा हूं, घंटी वाला बटन दबाना ना भूले ताकि आपके फोन की घंटी बज जाए जब भी मैं वीडियो डालूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।